स्वागत करते हैं आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो आप बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हो आईटी 402 क्लास 10th। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। तो किस तरीके से आप अपनी हेल्थ को और अपनी सेफ्टी है जो रख सकते हो, हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हो और अपनी सेफ्टी रख सकते हो काम के दौरान, वर्क प्लेस के अंदर, है ना। तो देखिए, अब यहाँ पर आपको मीनिंग बताया कि व्हाट इज हैजर्ड। एक तरीके से अगर हम इससे को एक्सप्लेन करें तो भाई किस किस चीज से आपको खतरा हो सकता है, नुकसान हो सकता है ना। तो जैसे आप कह लीजिए कि भाई इलेक्ट्रिसिटी से किसी को करंट लग गया काम के दौरान, कोई फिसल गया, है ना, कोई ऐसा केमिकल है जो वो काम के दौरान उसी को ही जो है हार्म कर गया, तो वही क्या है, हैजर्ड है। हैजर्ड इज एनीथिंग दैट इज द सोर्स ऑफ एनी पोटेंशियल हार्म, डैमेज और एनी काइंड ऑफ पोटेंशियल लॉस ऑफ हेल्थ या फिर उसकी लाइफ बंदे की, ठीक है। तो उसकी हेल्थ को कोई नुकसान हो रहा है, उसकी लाइफ के साथ में कुछ गलत हो रहा है, तो बस काम के दौरान अगर ये चीज होती है तो वही क्या है, आपका हैजर्ड है। तो मतलब उसका कॉज, उस बीमारी का या उस कारण का, उस जो भी चीज उसके साथ हुई है उस पर्सन के साथ में काम के दौरान, तो वही क्या एक हैजर्ड है, खतरा है ना, आम अगर हम इसको समझे तो। अब देखिए इसके काफी सारे टाइप हैं कि भाई ये किस किस टाइप के अंदर आप देखा जा सकता है, फिजिकली है ना, केमिकल के थ्रू हो सकता है, तो बायोलॉजिकली हो सकता है, तो ये सारे इसके टाइप्स हैं। आपको इनके अंदर बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना, आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। तो बस आपको टाइप्स हैं कि अगर आपको हैजर्ड पूछा गया तो यू कैन राइट अ डेफिनेशन और एज वेल एज इट्स टाइप, है ना। अब बात करते हैं इवैक्यूएशन के बारे में कि इवैक्यूएशन आखिरकार क्या है। इवैक्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग अ प्लेस इन केस ऑफ एन इमरजेंसी या डिजास्टर के दौरान। तो मतलब एक तरीके से कोई ऐसी डिजास्टर आ गई, कोई ऐसी इमरजेंसी क्रिएट हो गई कि अब आपको वो जगह या वो स्थान, वो वर्क प्लेस आपको खाली करना है। जैसे मान लो कोई एक, जैसे काफी साल पुराना एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, काफी साल तो नहीं, आई थिंक 3-4 साल पुराना है, कि गुजरात में किसी एक इंस्टीट्यूशन में आग लग गई थी और कोई बच्चे पढ़ने जहाँ ऑफकोर्स जा रहे थे, तो उसमें किसी क्लास में या किसी क्लास के बाहर ऐसा कुछ था, तो उसमें इवैक्यूएशन का कोई प्लेस ही नहीं था, कि आपके पास में कोई इमरजेंसी के लिए कोई कमरा ऐसा बना नहीं था उस बिल्डिंग के अंदर कि आप बाहर जा सकते थे। तो बेसिकली क्या हुआ कि उसकी वीडियो काफी वायरल भी हुई थी, आप यूट्यूब पर देखोगे तो लोगों ने नीचे नीचे से बनाए थे, तो लोग क्या कर रहे थे कि अपनी चुन्नियाँ, कोई अपने बड़े बड़े कंबल लेकर के आ रहा था और वो लोग नीचे सड़क पर ऐसे कर रहे थे और बच्चे ऊपर से छलांग लगा रहे थे और बहुत सारे बच्चों ने की जान इस वजह से भी गई थी और बहुत सारे फिर उसके ऊपर गिर रहे थे, है ना, क्योंकि क्या करें, वो आग थी जो आप खुद उस वीडियो को देखोगे ना तो आपके अंदर तक ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे उसको देखते हुए। मतलब इतने साल पुरानी है, मुझे ईयर स्पेसिफिकली याद नहीं, बट इतना है कि 3-4 साल के अंदर दौरान ही एक किस्सा हुआ था, तो आपको वो, आप अगर YouTube पर सर्च भी करोगे तो यस, मैं आज भी उसको याद करती हूँ तो मुझे ऐसे मतलब अंदर से बहुत, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे है ना जो पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो वो ऊपर से छलांग लगा रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, तो अब जरूरी कुछ मतलब किधर गिर रहे हैं, कुछ किसी बिल्डिंग के ऊपर ही गिर गए, है ना। तो खैर बात यह है कि भाई इवैक्यूएशन की कोई एक ऐसी इमरजेंसी आ गई तो आप उस जगह को खाली कर पाए, ठीक है। जैसे बाढ़ का किस्सा हो गया कि बाढ़ आ गई तो अब लोग वहां से जा करके कहीं एक सुरक्षित प्लेस पर जाएं, तो वही इवैक्यूएशन है कि एम्प्टी करना उस प्लेस को, है ना। कोई मान लीजिए भूकंप आ गया तो अब जल्दी जल्दी जगह, जैसे सरकार नहीं आ जाती कि भाई ये जगह खाली कर दो, यहाँ इमरजेंसी है, यहाँ कुछ मतलब कुछ जो है कुछ खतरा है आप लोगों को, है ना, तो वही एक इमरजेंसी मतलब उस सिचुएशन के अंदर इवैक्यूएट करना उस प्लेस को, ठीक है। तो यही प्रोसेस कहलाती है इवैक्यूएशन डिजास्टर के टाइम पर, कोई ऐसी इमरजेंसी जैसे पैंडेमिक में हम लोगों ने देखा था, है ना, ठीक है। तो एवरी कंपनी मस्ट इंश्योर द फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर इवैक्यूएशन इन द केस ऑफ एनी इमरजेंसी। अब आप देखो कोई हॉस्पिटल्स आप देखते हो तो उसमें अलग से एक इमरजेंसी के लिए सीढ़ियां दे रखी होती है ना, बैक सीढ़ियां, कि हाँ यहाँ से आप इमरजेंसी के टाइम पर जा सकते हो। मॉल के अंदर भी आपने स्पेशली देखा होगा इमरजेंसी एग्जिट लिखा होता है, बस वगैरह के अंदर भी आपने इमरजेंसी एग्जिट लिखा होगा, वो खिड़की होती है तोड़ करके बाहर जाना होता है ना। हाँ, बट हमारी बसेस में वो खिड़की इतनी जाम हो जाती है। चलिए, एन इवैक्यूएशन पॉलिसी बिल्कुल फॉलो करनी होती है कंपनीज को। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ डेजिग्नेटेड असेंबली पॉइंट्स फॉर इमरजेंसीज, कि मतलब अगर मान लीजिए जैसे अभी सबको पता है कि आपकी सुबह अगर असेंबली होती है तो हमें वहां जाना है, तो हम उसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर मान लो कोई ऐसे डिजास्टर आती है
तो आपको सबको एक जगह कहाँ पर असेंबल होना है, इकट्ठा होना है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एम्प्लॉयज को पता होता है, आपको ट्रेनिंग है जो दी जाती है। हालांकि छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसा होना चाहिए। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो आपकी एक इमरजेंसी से रिलेटेड ऐसी अलग से जो है ट्रेनिंग्स भी है जो होती हैं। तो कहते हैं कि फ्लोर प्लान्स विद इवैक्यूएशन रूट्स पेस्टेड इन वॉक एरिया, तो आपको रूट की इमरजेंसी इधर है इधर है, ऐसे करके आपने हॉस्पिटल्स में, मैंने कहा ना आपने कुछ ऐसे बड़ी बड़े मॉल के अंदर आपने ये देखा होगा, कभी हमने देखा तो हम जाते हैं तो हम वहां पर स्पेसिफिकली ये लिखा होता है ना कि भाई इधर एग्जिट करो इधर जाओ, तो एक प्रॉपर एक रूट है जो बिल्कुल पेस्ट हुआ होना चाहिए या होता है। पीरियोडिक इवैक्यूएशन ड्रिल्स शुड बी कंडक्टेड, जैसे कि मतलब वो सिचुएशन आई नहीं है बट वैसी सिचुएशन आ जाए तो लोगों को क्या करना है ना, तो ऐसी उनको ट्रेनिंग है जो दी जाती है, जैसे आग लगी नहीं है बट फिर भी लोग भाग करके कैसे कहाँ जाएंगे, है ना। तो ऐसी काफी कंपनीज के अंदर ऐसी ट्रेनिंग है, स्कूल्स के अंदर स्पेसिफिकली होती है कि होच-पोच की सिचुएशन ना बने। जब ऐसी कभी वाकई में ऐसी कंडीशन आती है तो लोगों के माइंड में एक वो प्रियोर उन्होंने प्रैक्टिस कर रखी होती है ना कि हाँ मुझे यहाँ जाना और ऐसे करना है, जैसे फौजी या फिर हमारे जो देश के सैनिक आप पुलिस वाले हो गए हैं ना, इनकी एक ट्रेनिंग होती है। तो लड़ाई का माहौल होता नहीं है लेकिन वो वैसा बना करके उनके माइंड को ऐसे सेट किया जाता है कि अगर तुम वाकई में सिचुएशन में होते तो क्या हो रहा होता, है ना। जैसे कार ड्राइविंग हम लोग करते हैं तो आजकल तो वो आता है ना, मैं भूल गई ये आप लोगों को स्टिमुलर के ऊपर है ना, स्टिमुलेशन के ऊपर कि एक्चुअल में बारिश नहीं हो रही लेकिन फिर भी आप कैसे कार को ड्राइव कर सकते हो, है ना। तो वो सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। तो वही चीज कि पीरियोडिक इवैक्यूएशन ड्रिल्स शुड बी कंडक्टेड, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऐसी चीज होती है और होनी भी चाहिए बेसिकली, है ना। अब ये हमारा लास्ट सेशन का लास्ट टॉपिक है, तो इसके बाद हमारी ये पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और हम लोग अगली यूनिट की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आप चैनल पर एक के बाद एक चीजें चेक करते जाना, आप लोगों का पूरा सिलेबस एकदम लाइन से कंटिन्यू मैंने 1, 2, 3, 4 करके है जो कंप्लीट किया है। अब ये कहता है हेल्दी लिविंग, देखो नाम से आपको काम के बारे में पता चल रहा है कि लाइफ हेल्दी होनी चाहिए, है ना। ऑफकोर्स अब इसके अंदर आपको ना कुछ ऐसे सजेशन दे रखे हैं जैसे कि हेल्दी लिविंग हैज द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल विच अल्टीमेटली येल्ड अ हेल्दी इन्वायरमेंट एट होम एज वेल एज एट वर्क प्लेस। देखो घर हो चाहे आपका वर्क प्लेस हो, है ना, तो हेल्थ इज वेल्थ। आपने काफी सारी ऐसी कोट सुनी होंगे, है ना, कि वो कहते हैं ना स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग बसता है या स्वस्थ दिमाग में स्वस्थ शरीर, आप सही कर लेना इसको, और हेल्दी बॉडी, है ना। आपने काफी सारी ऐसे जो कोट्स हैं जो सुने होंगे, तो मैं पर्सनली भी इस चीज़ को ऐसे रिलेट करके मानती हूँ कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है ना तो आप उन दिनों को याद करो, आप कोई भी सिचुएशन को झेल जाओगे जब आपकी हेल्थ अच्छी है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है ना, आपके पास में कोई बैंड बाजा, आपका फेवरेट सॉन्ग, आपका फेवरेट खाना भी कोई लेकर के आ जाए तो भी आप उसको कहोगे नहीं यार प्लीज़ बाद में आना, है ना। तो मतलब एक हेल्थ है जो वेल्थ है, मतलब सबसे बड़ी एक चीज़ हो गई। आपकी आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो मतलब कह लो कि भाई कोई कह दे ना कि शाहरुख खान से भी मिलना है ना, तो उसके लिए भी हम मना कर देंगे। तो मेन चीज क्या हो गई भाई, हमारी हेल्थ हो गई यहाँ पर, तो हेल्थ है तो सब कुछ है, है ना। तो कहते ना जान है तो जहान है। ओके, सो हेल्दी लिविंग हैज द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन एन इंडिविजुअल विच अल्टीमेटली यील्ड अ हेल्दी एनवायरनमेंट एट होम एज वेल एज एट वर्क प्लेस। हेल्दी हेल्प्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल हेल्प्स टू कीप एंड इम्प्रूव पीपल्स हेल्थ एंड वेलबींग। अ हेल्दी लाइफ स्टाइल इंक्लूड, अब ये चीजें कुछ होती है ना कि जो सबको पता होता है लेकिन करता कोई नहीं है, है ना, कि जैसे भाई अच्छा खाना खाओ ये सबको पता है, किसको नहीं पता है कि भाई आपको बर्गर पिज्जा ये नहीं खाना चाहिए, आपको कोल्ड ड्रिंक सबको पता है, है ना। वो कहते हैं ना वो जो जर्दे की पुड़ियां आती हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, हमारे तो जर्दा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ये वो जो तंबाकू वगैरह, है ना, तो ये उसके ऊपर देखो कितनी गंदे वाली फोटो भी लगा रखी होती है कि बंदा उसको खरीदे भी ना लेकिन फिर भी लोग उसको खरीदते हैं। तो ये चीजें हैं कि भाई आपको पता है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल क्या होता है, मेरे ख्याल से पता सबको है, है ना, लेकिन फॉलो हम नहीं करते हैं। तो वो ये चीज है ना कि हम जानबूझ के ही कह लीजिए, है ना, फिर जब एक्चुअल में जब बेड पर लेटना पड़ता है फिर याद आता है वो किस्से कहानियां, है ना। सो अभी देखो अभी तो हम थोड़े जवान है तो हमें लगता है कि हम कुछ भी खा ले तो क्या ही है, लेकिन ये चीजें बाद में जाकर के बड़ा फर्क है जो डालती है। हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूड करता है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को, तो आप एक अच्छा खाना है जो आप खाओ, है ना, तो फिजिकल एक्टिविटीज आपकी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम सारा दिन पढ़े ही हो,
ठीक है, कुछ कर ही नहीं रहे हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट बिल्कुल एक ये लाइफ आज की जो अगर हम डेट की बात करें ना, तो हर कोई बंदा इस चीज से जूझ रहा है ना, क्योंकि बेसिकली बात क्या है कि हम लोगों के पास में एक इंडिविजुअल पर्सन है लेकिन काम बहुत सारे हैं, है ना, तो हमें होच पोच में पता ही नहीं चलता कि हमें कौन से काम को करना है कौन से को नहीं करना, तो एक मैनेजमेंट जाम की जो चीज है ना वो हम फिर लैक कर जाते हैं, है ना। सो हेल्दी माइंड, साउंड स्लीप, तो ये सारे के सारे गोल सेटिंग, है ना, तो ये सारे हमारे एक हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर है जो बेसिकली आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इनके अलावा भी कोई पता है तो आप बिल्कुल लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ किताब से रट्टा मार के आना है या तुम्हारी मैम ने जो बता दिया वो तुम्हें चीजें लिखनी है, नहीं, अगर आपको कुछ इसके बारे में एक्स्ट्रा भी चीजें पता है तो वो आप उसको लिखिए, बट इतना भी आप लैंग्वेज मत यूज करिए कि भाई जो है कि मतलब घर की ऐसी लैंग्वेज आपने लिख दी है ना, तो आप जो है लिखें लेकिन आप जो है सही से लिख करके आए, अगर आप अपना एग्जाम्पल भी है जो देते हैं। बस ये हमारा सेशन था, जो हमारा लास्ट सेशन, लास्ट हमारी ये यूनिट है वेब सिक्योरिटी वाली, तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने स्प्रेडशीट कर लिया, हम लोगों ने जो है ओपन ऑफिस वर्ड कर लिया है, हम लोगों ने कम्युनिकेशंस वाली जो हमारी यूनिट थी वो भी हम लोग कर चुके हैं, तो ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हमारी दो डेटाबेस की यूनिट रह रही है और एक रह रही है हमारी एंटरप्रेन्योर की, है ना, तो बस इसको हम लोग अब खत्म करने जा रहे हैं थोड़े दिनों के अंदर, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों के साथ में इस को जरूर है जो बेसिकली शेयर करिएगा, ठीक है, क्योंकि आप बच्चे हो जो सबसे बिल्कुल एक एक टीचर को ना बनाने वाला कौन है, वो उसके बच्चे ही नहीं है, ठीक है, तो आप हो तो बिल्कुल हम भी हैं जो आपको या और बच्चों को दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप जो है अगर आपको लगता है कि ये आपको चीजें समझ में आ रही हैं और बिल्कुल आप लोगों के लिए एफर्ट है जो हो रहे हैं, तो आप इतनी सी चीज करिए कि आपके घर में जितने भी डिवाइस हैं उन सारे डिवाइस से आप जो है सिर्फ एक सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करना है आपको, और बस दोस्तों को भी आपको ये बोलना, अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक या किसी पर हो तो बस वहां पर थोड़ा सा प्रमोट कर दो, और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए फिर चलते हैं और मिलते हैं आपको, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, बाय बाय।